ईशानगर रोड पर नौगांव थाने में गाड़ियाँ की गई, उसके लिए सबसे पहले तो मैं जिले के एसएसपी श्री अमित सामी साहब, एडिशनल एसपी विक्रम, एसडीओपी नौगांव मरकाम, प्रभारी दीपक यादव, उनके साथ में जो पूरी टीम लगी और साथ में दो तीन डीआई और इसमें लगे थे, जैसी घटना की सूचना एसपी साहब को मिली वैसे ही पूरी टीम ने एक टीम के रूप में काम किया और भी अन्य थाना प्रभारियों को इस काम में रात को ही लगाया। एसपी साहब, एडिशनल एसपी स्वयं मौके पर थे। पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, कल 9:30 बजे एक लूट की घटना आकारित हुई थी नौगांव थाने में, जो कि ईशानगर रोड पर जो ओनर हैं मिस्टर पुरोहित, उनके यहां पर कुछ बदमाश आके उनके हाथ में वहां पर कट्टा अड़ा के उनका जो मशूका था, कम से कम 1 करोड़ का मशूका बैगों में भर के ले गए थे। पुलिस को जैसे ही 10:30 बजे इसकी FIR की गई, जैसी सूचना मिली, SP अमित सांगी, एडिशनल SP विक्रम सिंह और अपने मरकाम SDOP तत्काल मौके पर पहुंचे। तत्काल एक टीम का गठन किया गया और जितने भी सूत्र थे पुलिस के वो बहुत उसको बड़ी संवेदना के साथ उसको यूज़ किया गया और सुबह तक जो आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 अभी फरार है, उसके लिए भी टीम लगी हुई है और पूर्ण रूप से जो उनका मशूका था लगभग 1 करोड़ 1 लाख के आसपास वो पुलिस ने बरामद किया है। कैश कितना था सर उसमें? कैश उसमें 36 लाख रुपये बरामद। सर और आरोपी कितने फरार चल रहे हैं? एक आरोपी फरार है और भी इनसे अभी माननीय न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा। और जो भी पहली बार यह अपराध किया है या पहली अभी प्राइमा फेसी, मतलब ये पहले अपराध समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी ये तीनों पॉलिटेक्निक कॉलेज के हैं, 2 रीवा के रहने वाले और 1 नौगांव के रहने वाले। और रात में डकैती टाइप लूट पाट हो गई, 5-4 जने लड़के ऊपर आ गए, बंद कटे की नोक पर के उनने बच्ची पे गर्दन पे रख दिया, बोले जेवर और सोना चांदी कहाँ है दे दो, वरना बोले बच्ची को मार रहे। हमने कहा भैया बच्ची अच्छी को काय मार रहे, सबके मुँह बंद है, टेप वेप में लगा ले, आली अलमारी वो अलमारी उसी में चाबी निकालो ले जाओ जैसे। कितना क्या पुलिस को कैसे सूचना दी आपने? पुलिस ने ऊपर संडे से निकाला तो हाँ, वो अलमारी का निकाला था सरिया, अलमारी तोड़ के उसमें चादर फंसा के वो फोन नज़दीक किया, फिर बच्ची ने हाथ से उठाया उसी से, फिर पहले दोस्त को बुलाया, फिर पुलिस उसको सूचना दी, 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुँच गई। क्या क्या ले गए? वो सोना चांदी जेवर थे थोड़े बहुत, बाकी कैश था सब, वो उनको जो मिला वो सब ले गए।